नमस्कार, आपने ट्यून किया है एनकेपी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। आज आईपीएल का 23वां मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 पर खेला जाएगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे दोनों ही टीमों की मैच स्ट्रेटजी, उनकी प्लेइंग 11 और साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन सी टीम किस पर होगी भारी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट जगत की सारी खबरों को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले, ताकि हमारी हर खबर बिना किसी देरी के आप तक पहुंच सके। दोनों टीमों की बात करें तो जहां राजस्थान की टीम में बेन स्टोक्स की वापसी हुई है, लेकिन फिर भी क्वारंटाइन होने की वजह से वो इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। वहीं चोटिल अमित मिश्रा के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर अभी तक किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। आईपीएल इतिहास में ये दोनों टीम आज तक 20 बार आमने सामने हुई है, जिसमें से 11 बार राजस्थान ने, वहीं 9 बार दिल्ली ने बाजी मारी है। आज का यह मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है और ये मैदान काफी छोटा है, लिहाजा दोनों ही टीमें बड़े स्कोर की तरफ जरूर देखेंगी। पॉइंट टेबल की तरफ रुख करें तो जहां दिल्ली 5 में से 4 मुकाबले जीतकर दूसरे पायदान पर है, वहीं राजस्थान 5 में से सिर्फ 2 मुकाबले ही जीत पाई है और वो 7वें पायदान पर है। लेकिन शारजाह में राजस्थान का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लिहाजा दिल्ली की टीम उनको हल्के में नहीं लेगी। वहीं दिल्ली की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी अव्वल दर्जे की नजर आ रही है। चलिए अब जान लेते हैं आखिर क्या हो सकती है दोनों टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, तो ये होगी दिल्ली की प्लेइंग 11। अब एक नजर डाल लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पर। कौन सी टीम जीत सकती है ये मुकाबला, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतरीन खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एनकेपी स्पोर्ट्स।